हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अल्केश सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है दोस्त, चैप्टर नंबर 11, उसका लेक्चर 26 लेके आए हैं। दोस्तों, बहुत मजे वाला लेक्चर होने वाला है। उसमें एक्सरसाइज का 18 नंबर का हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही तगड़ा। 18 और 19 दोनों इसमें डिस्कशन करने वाले हम। चलो स्टार्ट करें। हवन करेंगे, नहीं, स्टार्ट करेंगे। चलिए आ जाइए। शो दैट दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, ओहो सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ इज इक्वल्स टू दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम, मतलब फोटोन। इन शॉर्ट ये प्रूव करना है कि जो फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसके इक्वल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ है क्या, वो प्रूव कर दें। ऐसा भी पूछ सकते हैं कभी, प्रूव दैट लैम्ब्डा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू लैम्ब्डा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये प्रूव करना है आपको। डन है, चलो आगे बढ़े, लाइफ में आगे बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दूसरा, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मुझे बहुत, हर साल बच्चों को पढ़ाता तो मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं मालूम है? बाहर से कोई बुक ले आए, उसमें से 100 MCQ किए, 100 MCQ किए। बोलते हैं सर 100 MCQ करेंगे ना तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों का ये मानना होता है, मैं हर साल बहुत सारे बच्चों से, वेरिएशन वाले बच्चों से मिलता रहता हूँ, मुझे पता है 100 MCQ करेंगे ना तो सर एक चैप्टर, क्यों एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर, मान लो 11, चैप्टर नंबर 11 है उसका, 100 MCQ करेंगे ना सर तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं दोस्त, तू गलत रास्ते पे है, तू पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर, 100 क्या तुझे 200 MCQ सारे ऐसे कैसे आएंगे? तो ये रॉन्ग वे है, ये राइट वे है दोस्त। लाइफ में अलके सर का मानना ये है। अब तू क्या बोलता है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ? तू 100 MCQ पहले करेगा, बोलेगा सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर, तुझे सारे MCQ ऐसे ही आने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? क्लियर है, क्लियर है। चल, तो कौन सहमत है मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो भी हो राय लिखिएगा, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। महान महान लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं अभी तो। चलिए ठीक दोस्तों, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मुझे तो पता है सर कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लैम्ब्डा यदि मैं एच बाई पी ला देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लैम्ब्डा डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, आपको ऐसे लाना पड़ेगा। हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज न्यू एंड सपोज वेवलेंथ इज लैम्ब्डा डैश, इसका लैम्ब्डा लिया ना तो इसका लैम्ब्डा डैश। ठीक है ना दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं जो हमने पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेक्चर नंबर 19 में। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ पढ़ी थी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू ई बाई सी। ई था दोस्तों एच न्यू बाई सी, न्यू था सी बाय लैम्ब्डा, यहाँ पे लैम्ब्डा डैश है तो लैम्ब्डा डैश लूंगा, सी सी गॉन, तो पी इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्ब्डा डैश। यहाँ पे आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्ब्डा डैश। बहुत बार समझा चुका हूँ क्यों फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है। ठीक है, हाँ पूरे लेक्चर में यही समझाया मैंने, पूरे चैप्टर में। तो लैम्ब्डा डैश इज इक्वल्स टू एच बाय पी, क्या बात है सर, क्या बात है यार, क्लियर कट आंसर हो रहे हैं, क्लियर कट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू लैम्ब्डा डैश हो गया। हैंस दिस इज प्रूव फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या तो वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल्स टू द, यहाँ पे लिखना आप ऐसा हूँ, हैंस दिस इज प्रूवड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल्स टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम। ठीक है, बोलो डन, हाँ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात? ओके, अरे हाँ भाई,
जो इसका वेव का मोमेंटम होगा वही तो उसके फोटोन का मोमेंटम होगा ना भाई। हाँ कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं सर ये पी कैसे मोमेंटम सेम, एच तो समझ में आ रहा है, दोनों के मोमेंटम सेम कैसे होंगे फोटोन के और रेडिएशन के? तो सर ये रेडिएशन का ही फोटोन है, तो फोटोन का जो मोमेंटम होगा जो स्पीड होगा वही तो रेडिएशन का होगा, वही तो फोटोन का होगा, समझ रहा है? चल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है पूरा 11.19 एक्सरसाइज का 11.19। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? दोस्तों ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2 का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा एट टेम्परेचर? दिस टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, तो उस पर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का? दोस्तों एटम नहीं बोल रहे हैं, मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोल रहे हैं मतलब N2, ठीक है। एटम बोला होता तो मैं N लिखता, एटम बोला होता तो मैं N लिखता, ठीक है। चलो अब दोस्तों इसमें कुछ तामझाम उन्होंने दिया है, बोल रहे हैं एज्यूम दैट द मॉलिक्यूल इज मूविंग विद द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एट दिस टेम्परेचर। ये जो बात है मैं आपको समझा रहा हूँ, एक दो मिनट रुक जाओ खाली, इस बात को थोड़ा होल्ड कर दे, इस बात को थोड़ा होल्ड कर दे, पहले समझा रहा हूँ क्या है। पहले ये सीधा यहाँ पे आ, तुझे लेमडा फाइंड करना और टेम्परेचर दिया है, दिल से बोलना दोस्तों नहीं कर पाएगा। कर पाएंगे सर, कर पाएंगे, क्या होता है 3 mkbt, सीधा आंसर है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ ऐसे, इसको टालना नहीं है हमको, इसकी भी बात कर रहा हूँ, शांति रखना दो में। वेवलेंथ फाइंड करो इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब दोस्तों मैं एच रख दूंगा, एकदम होशियार हो गया फटाफट रातों रात, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रख दूंगा, टेम्परेचर रख दूंगा, मास में मैं फंस गया सर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना है? तो दोस्तों उसी के लिए ओवर मास ऑफ, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन एटम बोल रहे हैं दोस्तों, एटॉमिक मास, मैं मॉलिक्यूल पे आ रहा हूँ, शांति रखना पहले, एटॉमिक मास यहाँ पे तो लिख सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14 × 0.076 μ, मतलब कि यू मतलब यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इतना हो गया दोस्तों, ये एटॉमिक मास है और मुझे मॉलिक्यूल बोला है, मॉलिक्यूल बोला है, आप देख पा रहे हो है ना, तो मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा N2 का मास, मॉलिक्यूल ये N का है, एक N का है, यहाँ पे N2 है, तो 2 × 14.0064 U यूनिट। अब यूनिट को किलोग्राम में चेंज करना है तो आप मेरे से होशियार ज़्यादा हो, 1.66 या 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, 46.48 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा कि आपको ये पूरा ये कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना है दोस्तों, प्लीज़ है ना, डायरेक्ट बना रहे सर करा रहे ना, मजे करो ना, ऐसा नहीं हो प्लीज़। चलो अब बोलो दोस्तों एच मतलब 6.625 × 10⁻³⁴ मास कितना हो गया 46.48 × 10⁻²⁷ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना हो गया ये इतना हो गया सर, और टेम्परेचर कितना हो गया 300 हो गया, क्लियर है। तो लैम्ब्डा जो आए आंसर में आप लिख देना, हाँ जिसमें आए नैनोमीटर एंगस्ट्रॉन्ग में जो आए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। चल ठीक है, लैम्ब्डा शायद मेरे हिसाब से 0.28 nm आना चाहिए, एक बार देख लेना। अच्छा और मेरे पास एक और ट्रिक है सर, वो आप समझाने वाले थे ना सर, एज्यूम दैट दिस दिस दिस, अब तो सुन, तेरे पास टेम्परेचर है 300 केल्विन सर है ना, कंप्लीट है, मास आ गया तेरे पास 46.48 × 10⁻²⁷ किलोग्राम सर, कंप्लीट है, कंप्लीट है। अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा है वो, एज्यूम दैट द मॉलिक्यूल इज मूविंग विद द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितना था मालूम है आपको, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 RT/m, कुछ याद आया 11वीं में आप पढ़े हो, हाँ। तो देखो टी है टेम्परेचर, आर है यस गैस कॉन्स्टेंट 8.314, हाँ, और मास है ये रहा मास, तो उस पर से आपका वी आ जाएगा जो आएगा मीटर पर सेकंड, वी आ गया, फिर आप लैम्ब्डा एच अपॉन एम वी कर सकते हो आराम से, एच है आपके पास, मास है आपके पास, और ये वी है आपके पास, तो आप लैम्ब्डा ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इसलिए दोस्तों आपको ये यहाँ पे लिख के दिया है ऐसा ऐसा। लेकिन मान लो इसका यूज़ नहीं करते हैं बच्चे लोग, ये मेरे हिसाब से ये नहीं करना, क्योंकि हमने एक मेथड पकड़ के रखना है, टेम्परेचर दिया लैम्ब्डा फाइंड करना है, सीधा ये फॉर्मूला बोलो, क्लियर है। तुझे इच्छा लगे तो ये भी करना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मज़े कीजिए,
ठीक है, थैंक यू।